Hey guys, hi, मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे निशा, and you know what? यार कभी ना कभी ऐसा लगता है कि कभी कोई चिमटी काट के बता दे, यकीन दिला दे यार वो 90s का एरा आपके सामने खड़ा है. And a person who was in Band of Boys in a time when he actually dresses up like that, he was like, seriously, someone can look so good. Karan sir, how are you doing? I'm doing very well. आपने इतनी खूबसूरत बातें मेरे बारे में बताई, इतना बड़ा जाकर बोला. मैंने इनको पैसे दिए थे लेकिन वो आपको दिखेगा नहीं, because radio पे है, correct? नहीं ऐसा कुछ नहीं किया. Like, guys, you know me so well that I actually love independent music and these are those group of guys who we actually look forward into. आप 90s के लोगों को ना actually bribe करके नहीं हटा सकते. true. You really can't do that with us. I agree. But Karan sir, उस वक्त का scenario, आज का scenario, what is the basic difference you watch out? देखिए उस समय यह था कि बहुत सारे ट्रू फैंस हुआ करते थे और एक इंडिपेंडेंट म्यूजिक का एक अपना एक्सप्रेशन था जो बहुत सारे आर्टिस्ट बहुत यूनिक तरह से किसी को कॉपी नहीं कर रहे थे. तो सिल्क रूट का अपना एक्सप्रेशन था, यूफोरिया का अपना था, लकी भाई का अपना था, लकी अली का, हमारा अपना था, आशा जी का अपना था. तो आपको एक बहुत असॉटमेंट ऑफ वेरीड म्यूजिशियंस और उनके इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन मिलते थे. Correct. जो आज थोड़ा सा डाइल्यूट है, बिकॉज हम, और इसलिए रीज़न भी शायद ये है कि हम सक्सेस के पीछे इतना भाग रहे हैं कि अब हम चाहते हैं कि किसी को सक्सेस मिली तो उसकी देखा देखी हम भी उसको फॉलो कर लें. मैं उस फिलोसफी को एडहर नहीं करता. Absolutely not. अपनी जर्नी है. Right. मतलब जैसे जैसे कोई नहीं के बाद में, you know, watching you, standing you right in front of you, it's like, you know, क्या moments थे वो यार जिंदगी के जो हमने जिए हैं. But considering singing, then into the acting, not talking, being an anchor, which is the most toughest of you for all of them? ये टफ मुझे ऐसा कुछ ऐसे खास नहीं लगता. मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके साथ जो रेजोनेट ना करे ना वो टफ हो जाता है. म्यूजिक मेरे को ऐसा लगता है कि इट्स अ फॉर्म ऑफ डिविनिटी, तो वो अंदर से आता है. राइटिंग इज अ स्किल सेट दैट एक स्टोरी टेलिंग का जो एस्पेक्ट है, विच इज व्हाई आई एम अ पब्लिश्ड ऑथर टुडे. बिकॉज मुझे तो मुझे कहीं पर भी ना वो कहीं बार बोलते हैं कि स्ट्रगल. आई सेड यार जो चीज़ आप मन से नहीं करते वो स्ट्रगल होती है, बाकी सारी चीजें जो आप मजे लेकर करते हो ना वो स्ट्रगल नहीं होती. एक सेंसिटिविटी बहुत ज़रूरी है, एक ट्रूथ बहुत ज़रूरी है कि आपकी सच्चाई से आप कोई भी कलम जब चलाएं या गाना गाएं कुछ भी करें तो वो दिल से करें. हाँ. सबसे पहली आपकी शुरुआत वहाँ से होनी चाहिए. Correct. दूसरी बात है एन एक्टर का या राइटर का सबसे बड़ा टूल है ऑब्जर्वेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वेरियस एनर्जीज. आप तो किरदार आपको तभी आते हैं जब आप ट्रूथफुली बैठते हैं और आप कुछ एक चीज़ यू मस्ट बी डाइंग टू टेल द स्टोरी कि ये कहानी मुझे बतानी ही है. जैसे मुखबिर जो हमने मैंने जो लिखा था मुखबिर Z5 पे था शो, आज इनफैक्ट मुझे पता करना चला, थोड़ी देर में पता चलेगा कि फिल्म फेयर जीते कि नहीं हम, वी वर नॉमिनेटेड फॉर स्क्रीन प्ले. जर्नी ये थी कि हिस्ट्री के बारे में एक हिस्टोरिकल फिक्शन शो लिखना था बट मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में लिखना था. करेक्ट. तो जब लिखने बैठे थे तो ये था कि हम अब किस तरह से विदाउट वांटिंग टू गेट सक्सेसफुल कैन वी एक्सप्रेस आवरसेल्फ ऑनेस्टली इन राइटिंग दोस कैरेक्टर्स. जस्ट ऑनेस्टली राइटिंग ट्रूथ. ट्रूथ इज समथिंग दैट इज सो ब्यूटीफुल. ट्रूथ एंड प्योरिटी. एब्सोल्युटली. कि अगर आप वो जो वो बोलते हैं ना कि हम शीशे को साफ ना करें, यू नो, क्योंकि मैल जो है वो चेहरे पे लगी हुई है. अगर मैल चेहरे पे नहीं लगी तो शीशा खूबसूरत दृश्य ही दिखाएगा. वेरी ट्रू. बट व्हाट डू यू थिंक इज समथिंग व्हिच इज मिसिंग इन द करंट सिनेरियो ऑफ द पीपल, और यू थिंक इट्स अ पर्क फॉर द करंट सिनेरियो ऑफ पीपल? बिकॉज 90s का दौर जिसने जिया है या 80s का, लेट ना 80s का दौर जिया, वी हैव सीन थिंग्स इवॉल्विंग एंड परहैप्स वी आर द ओनली जनरेशन हु नोस व्हाट इज एवोल्यूशन ऑल अबाउट. बिकॉज वी आर द सेंटर स्टेज ऑफ दैट होल एस्पेक्ट. जहां पर दूरदर्शन में आपको 15 मिनट वेट करना चाहता था चित्र गीत सुनने के लिए, to having multiple choices on your phone to be able to watch content global. Absolutely true. Which is global content. तो वो एक evolution है, एक organic evolution किसी भी industry का होता है. मेरा ये मानना है कि हम ना custodians ना बने तो better रहेगा. कि वो दौर अच्छा था, ये तो आने वाला दौर बुरा है. हर दौर की अपनी एक strength होती है और एक अपनी एक weakness होती है. एक जमाना था जब बॉलीवुड में या इंडियन इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए उसके कुछ पांच जो कस्टोडियंस बैठे चौकीदार बैठे होते थे उनके थ्रू आपको जाना पड़ता था. Absolutely. आज आप यूट्यूब लेकर अपनी एक ऑडियंस क्रिएट करते हैं, अपने ट्राइब क्रिएट करते हैं, आप इन्फ्लुएंसर हो जाते हैं, जो भी हो जाते हैं, आपकी बात लोगों तक पहुंच जाती है. तो वो एक मीडियम की कैपेबिलिटी है, वो टेक्नोलॉजी की कैपेबिलिटी है. तो कुछ भी अच्छा बुरा नहीं है. सिर्फ एक बात को हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हम इतना ज़्यादा सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस ना हो जाए कि हम अपनी सच्चाई भूल जाएं, विच इज व्हेन वी आर सीकिंग वैलिडेशन इन टर्म्स ऑफ वांटिंग टू गेट लाइक्स एंड कमेंट्स एंड You know, people sharing all your things. Yeah, and everything that you see on social media is not the absolute truth. It's just like the movies.
शाहरुख खान रोमांस करते हैं बड़े खूबसूरत लगते हैं, फाइट करते हैं बड़े खूबसूरत लगते हैं, मतलब ही इज ऑफ कोर्स द किंग वन एंड ओनली, बट वो एक रुपेला पर्दा है, उसकी कहानी अलग है. सिमिलरली जो सोशल मीडिया है वो हमारा रुपेला पर्दा है यंगर जनरेशन का. तो अगर आप किसी को देख रहे हैं कि मर्सिडीज से निकल रहा है तो वो जी नहीं रहा है, उसकी जिंदगी वो नहीं है, वो एक एस्पेक्ट है उसकी जर्नी का, तो उसके साथ कंपेयर ना करें. कितनी खूबसूरत बात आपने पता इतने कम शब्दों में समझा दी ना, दैट मेक्स इट अ पॉइंट दैट व्हाई यू आर हियर एंड आई एम हियर टॉकिंग टू यू. इन फैक्ट सो ब्यूटीफुल थ्री मंत्रास ऑफ योर लाइफ करंट सो व्हिच यू हैव बीन ऑलवेज बैंग ऑन लिविंग विद इट आर व्हिच. फर्स्ट इज ट्रूथ, ऑलराइट. सेकंड इज प्योरिटी. थर्ड इज पैशन. इंटरेस्टिंग. तो जैसे हम कहते हैं कि धुन बदल के तो देखो, और इज इट वन थिंग व्हिच यू टेल कि किस चीज की धुन बदलते रहना चाहिए ताकि आपकी जिंदगी की ट्यून बिल्कुल सही चलती रहे. देखिए, धुन बदलने का मतलब ये भी है कि आप जो है धुन कितना कमाल का मेटाफोर है, बिकॉज आप ये कह रहे हैं धुन बदल के देखो मतलब आप एवोल्यूशन के पाथ पे चल पड़ो. करेक्ट. रिजिड ना हो जाओ, बिकॉज क्या होता है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपकी इवेंचुअल जर्नी जो है ना वो रिगर मॉर्टिस की तरफ है. रिगर मॉर्टिस मतलब आप मर गए और आपकी बॉडी स्टिफ हो गई. करेक्ट है. करेक्ट. हम स्टिफनेस की तरफ जा रहे हैं. तो जब आप धुन बदलते रहते हैं तो आप एवोल्यूशनरी कर्व पे सही बैठते हैं. So like stiffness se pehle thoda jee liya jaye. Correct. Thoda jee lo. Thank you so much. That was Karan sir with us, in fact guys. And it's such a beautiful thing what he had to remind us and telling you. Ki dekho boss, zindagi mein na do cheeze bahut zaruri hai. Ek aapki truth, aapki personality jo bilkul hai wo honesty ke sath jeeni zaruri hai. And that's he's someone who's living it every day. And thank you so much for doing that for us. Pleasure talking to you. Pleasure knowing you once again. All right guys, to check you back on Big FM. Dhun badal ke to dekho.